अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों की ढेरों फरमाइश पर ईद स्पेशल में बना रहे हैं परफेक्ट रस मलाई। कुछ लोग कहते हैं कि हम रस मलाई बनाते हैं तो वो टूट जाती है और ठीक नहीं बनती, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल परफेक्ट रस मलाई बनाना बताऊंगी। लिहाजा वीडियो को पूरा देखें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं सॉफ्ट रस मलाई। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया है, 2 अदद हमने सब्ज इलायची ली है, ये ऐड करेंगे। दूध को हम अच्छे से बॉईल करेंगे। 1/2 कप हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि हम रस मलाई बनाते हैं तो हमारी रस मलाई टूट जाती है। मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से रस मलाई बनाना बताऊंगी, जो बआसानी सब अपने घर में बना सकते हैं और बहुत ही कम खर्चे में। हमने 1 लीटर ये दूध लिया है, इसको हम बॉईल करेंगे। जब ये 3 पाव के करीब रह जाएगा तब हम इसके अंदर रस मलाई ऐड करेंगे। अभी हम इसको बॉईल करेंगे। हमने फ्रेश दूध लिया है, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपसे रस मलाई की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया, लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी रस मलाई ठीक नहीं बनती, इसलिए मैं आज आपकी रिक्वेस्ट पर ये रस मलाई दोबारा बना रही हूँ, वो भी मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है। अभी हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तब तक हम रस मलाई का बैटर तैयार कर लेंगे। हमने ये रस मलाई का एक पैकेट लिया है, ये बाजार से आसानी से ये मिल जाता है। हमने मिल्क पाउडर नहीं लिया, हमने ये तैयार रस मलाई ली है जो बआसानी आप अपने घर में बना सकते हैं। एक पैकेट हमने रस मलाई का लिया है। 1 लीटर के लिए 1 रस मलाई का पैकेट काफी है। 4 चम्मच हमने इस तरह के ऑयल के लिए है, ये ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। ऑयल को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक दरमियाने साइज का अंडा लिया है, अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये सारा मिक्सर मैं आपके सामने बना रही हूँ, आप इसी तरीके से बनाएं तो आपकी रस मलाई कभी भी खराब नहीं होगी। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। ये आप देख सकते हैं ये बैटर अभी नरम लग रहा है, ये अभी 1 मिनट के बाद खुद ब खुद ही सख्त हो जाएगा। दूध को बॉयल होते हुए 5 से 7 मिनट लग गए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़े से बादाम डालेंगे। 1 स्पून भर के हमने इसमें बादाम कटे हुए डाले हैं। कटे हुए पिस्ते ऐड करेंगे 1 स्पून। अब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे। जितने साइज की आपने गोलियां बनानी है इस तरह, इतना साइज आप रख सकते हैं, जितना बड़ा आपने बनाना है। इस तरीके से हम गोलियां बना बनाकर दूध के अंदर शामिल करते रहेंगे साथ साथ। अगर आपको ज्यादा रस मलाइयां बनानी है तो आप 2 पैकेट भी डाल सकते हैं। 1 पैकेट में 8 से 10 गोलियां बन जाएंगी। पहले हमने आंच को ऐसा रखा था, अब हम आंच तेज कर देंगे ताकि गोलियां अच्छे से फूल जाएं। हल्का सामने इनको ऊपर दूध डालना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। ये आप देख सकते हैं साइज में ये डबल हो गई है। 1 से 2 दफा इसकी साइड चेंज जरूर करें ताकि अंदर तक ये जूसी बने। ये आप देख सकते हैं साइज में ये कितनी बड़ी हो गई है, ये देखें, ये एकदम परफेक्ट तैयार हो रही है।
ये देखें एकदम ये अच्छे से फूल गए हैं और ये कितनी सॉफ्ट है, ये अंदर से ये कितनी सॉफ्ट होगी, आप बनाएंगे तो आपको खाकर मजा आ जाएगा। आप ईद आ रही है, ईद पर जरूर बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये रस मलाई आपकी कैसी बनी। अब ये दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है और ये रस मलाई भी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट रस मलाई हमारी तैयार है। ये देखिए अंदर से ये कितनी जूसी और बाहर से ये कितनी नरम है और इसका टेस्ट तो क्या कमाल का है, अमेजिंग। आप इस ईद पर जरूर बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये आपकी रस मलाई कैसी बनी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जो बिल्कुल फ्री है। और प्लीज मेरे फेसबुक के पेज को विजिट कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।